अगर सोल्डिंग आयरन की जो बीट होती है वो बार बार काली पड़ जाती है और बार बार साफ करना पड़ता है, और यहाँ पर जो एलिमेंट लगा होता है वो एलिमेंट बार बार ख़राब हो जाता है, तो आप बहुत ही आसानी से इस सोल्डिंग आयरन को 2 रुपये में रिपेयर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, 2 डायोड ले लेना है, और डायोड में एक सिल्वर कलर की पट्टी होती है और एक पूरी तरीके से ब्लैक होती है। इन दोनों डायोड को आपको इस सोल्डिंग आयरन के अंदर में फिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस सोल्डिंग आयरन में एक 2 पिन प्लग लगा हुआ है। इस 2 पिन प्लग के अंदर में इन दोनों डायोड को अच्छे से यहाँ पे कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे स्क्रू खोल लेते हैं। दोनों स्क्रू खोलने के बाद इस तरीके से डायोड को लगा लेना है दोनों एसी के पॉइंट पर। तो देख सकते हैं हमने एक डायोड को सिल्वर कलर की पट्टी को यहाँ पे फिक्स कर लिया है और एक ब्लैक साइड की पट्टी को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। इस तरीके से डायोड को लगा लेना है। अब इसकी बीट कभी काली नहीं होगी।